नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी ललित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पहली बार चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमारा हौसला अफजाई होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की, क्या थर्ड जो लिस्ट है PMT के लिए जो बुलाए जा रहे हैं बच्चे, क्या थर्ड लिस्ट आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अभी थर्ड क्या फोर्थ भी आएगी, लगभग सभी क्वालिफाई को मौका मिलेगा क्योंकि हरियाणा पुलिस का फिजिकल इतना आसान भी नहीं है, आप सभी को पता है। ये भर्ती आपकी 2022 से पहले जो फॉर्म भरे हुए थे उन फॉर्म में से हैं, लगभग सबको एज रिलैक्सेशन मिला है इसमें। और एज रिलैक्सेशन और जो अभी जो आजकल के युवा बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं इसमें, बच्चे एजिज बच्चे हैं, एज वाले हैं जिनकी मैक्सिमम एज 28 से 30 या 30 क्रॉस भी कर चुके हैं मैक्सिमम बच्चे, 35 तक की एज के बच्चे हैं एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि फिजिकल इतना आसान रहेगा। अभी आपको सभी को पता है PMT में ही लगभग आपकी जो है 25 से 30% आपके बच्चे निकल गए हैं या एबसेंट रह गए हैं 25 से 30%। तो आगे आप सोच के चलिए, अभी तो आपके मेन जो है रेस बाकी है। और जनरल की लिस्ट तो आपको सभी को पता है क्वालिफाई पे आके रुक चुकी है, लगभग 49 पे आ चुकी है, 47.5 पे आ जाएगी अगली लिस्ट। जनरल के बच्चे तो इनको मिलेंगे भी नहीं। बात करेंगे रिजर्वेशन के, रिजर्वेशन में लगभग EWS की जो सबसे हाईएस्ट जो आप लोगों की गई थी 59 के करीब, 58 कुछ थी 59 के करीब, तो अभी वो भी आपको पता है सेकंड लिस्ट में 56 पे आ गई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ थर्ड लिस्ट इनकी जो EWS की है वो आपको देखने को मिलेगी, देख लेना आप, आपकी 54 के आसपास 54 आपको ज़रूर मिलेगी। और बात करें अदर रिजर्व कैटेगरी BCB है, OBC से जैसे BCB हो गया, BCA हो गया, तो इनकी भी है जो 2 से 3 नंबर आप डाउन मान के चलिए। और जनरल के तो आपको सभी क्वालिफाई को बुला लिया जाएगा, तो लगभग सभी को मौका मिल गया है इसमें। अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि भाई कोई पूछना चाह रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूँ सबका, लगभग सबका नंबर आएगा, कोई 1-2% को छोड़ के, वो भी EWS कैटेगरी में, बाकी सबको मौका मिलेगा। क्योंकि अभी EWS में जो है एज वाले बच्चे हैं कैंडिडेट हैं वो लगभग अभी भी ये सोच रहे हैं, जैसे मान के चलिए अभी सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में जिस बच्चे का नाम आया है तो वही अभी तक तो यही सोच रहा था कि लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, पता नहीं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। और फिजिकल इतना आसान भी नहीं होने वाला है उनके लिए, क्योंकि एक जो जवान बच्चा होता है 22-23-24 साल का होता है, वो बच्चा रेस लगाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा। और अभी तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनका शरीर भी ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो वो कैसे कर पाएंगे। और हमने पहले भी कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया था, तो देख लो हमारा जो जिसने भी हमारा पहले वाले वीडियो देखा है तो बिल्कुल स्टिक विश्लेषण किया था और वही कट ऑफ रही है। और ये भी मैं तथ्यों के ऊपर बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल के चला गया। तो आप देख लेना, थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, वो भी विद इन 1 वीक मिलेगी। ऐसे ही जो है फीमेल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो अभी हाई गई है, लेकिन सेकेंड और थर्ड लिस्ट उनकी भी डाउन देखने को मिलेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है किसी को अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोशिश की जाती है कि उसका पूरे डाउट सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।